सब्जी उतारने को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा, मलाड के सब्जी मार्केट में चला चाकू, पुलिस ने दर्ज की FIR। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ भीषण गर्मी का प्रकोप, 41 डिग्री पहुंचा तापमान। महाराष्ट्र के नासिक में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल के खिलाफ लगे बैनर, मराठा आरक्षण के विरोध करने वाले ऐसा बैनर पर लिखा है। वसई विरार के सरकारी संस्थानों का 8.5 करोड़ बिजली बिल बकाया, महावितरण को वितरी झटका। वसई विरार शहर के सरकारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्कूलों, सार्वजनिक सेवाओं पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बिजली भुगतान बकाया, बिजली काटने की दी चेतावनी। मुंबई में 19,000 टीबी मरीजों को गोद लिया गया, 2 वर्षों में 88,089 पोषण किट उपलब्ध। पनवेल पुणे राजमार्ग पर एक महिला सर्विस बार के प्रबंधक को धमकी, फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। थाईलैंड में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर हेल्प सेंटर के जरिए साइबर ठगी। BMC में क्लीनअप मार्शल, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, 54 कंपनियों के टेंडर रद्द। थाने में पुलिस ने 4 दिनों में 382 शराबियों के खिलाफ की कार्रवाई। पानी का बिल जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1 अप्रैल से काटना होगा शुरू। आगामी रविवार को चर्चगेट मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रहेगा जंबो ब्लॉक। अजीत पवार की NCP के विधायक नीलेश लंके ने दिया इस्तीफा, शरद पवार की NCP में शामिल। राष्ट्र में महाविकास अघाड़ी फूट के बने आसार, आमने सामने लड़ेंगे चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहुत से की मुलाकात, उनके शनिवार को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 12 साल पुरानी सहयोगी पार्टी RPI को किया जा रहा है नजरअंदाज। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। शिवसेना UBT के लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ED का मिला दूसरा समन। भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा ने अपने पति रवि राणा के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री किसान नेता मीनाक्षी पाटिल का निधन। नाला सुबारा की पेलहार पुलिस ने हत्या के अपराध में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त राहुल पाल उर्फ मर्दा को उत्तर प्रदेश राज्य से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। NCP गोवा की टीम ने की रेड, 53 लाख की ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 4 ड्रग्स सप्लायर को किया गिरफ्तार, 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद।